हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। ये बहुत ही आसान और सिंपल है और इसको आपको चेक करने के लिए 2 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम गणेश है। वेलकम टू माई चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान, बस और कुछ नहीं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको आपके आधार के साथ कौन सा वाला बैंक अकाउंट लिंक है ये चेक करना है, तो उसके लिए आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार के साथ लिंक होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक नहीं है तो आप इस सर्विस को यूज़ या चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मोबाइल लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, अगर आपका मोबाइल लिंक है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। ये सेम चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल के ऊपर हो तो आपको क्या करना है, मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाके डेस्कटॉप वर्जन को ओपन करना है। तो देखो, अभी मैं इस कंडीशन में कंप्यूटर पर दिखा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाऊँगा, क्रोम ब्राउज़र में, और जाने के बाद उसके ऊपर मैं टाइप करूँगा UIDAI। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आधार का। तो आपको भी क्या करना है, जो भी सबसे पहला वेबसाइट आता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट पे आ जाना है। देखो, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, UIDAI का अभी रिसेंटली 2 साइट है, एक माई आधार करके एक है और एक UIDAI का ये वाला साइट है। तो दोनों साइट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन मुझे ये साइट सबसे आसान और इजी लगता है यूज़ करने के लिए। तो आपको क्या करना है, देखो, ये साइट पर आने के बाद माई आधार सेक्शन में जाना है, और माई आधार सेक्शन में जाने के बाद आपको देखो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कैसा पेज आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, आप जैसे ये वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कैसा पेज आएगा। आपको क्या करना है, आपका जो भी आधार नंबर है वो आपको इसमें टाइप करके लेना है। मैं भी मेरा आधार नंबर टाइप करके लेता हूँ, और टाइप करके होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो कैप्चा दिया है आपको एज इट इज़ इसको टाइप करके लेना है। तो देखो, जैसा दिया है वैसे ही आपको टाइप करना है। मैं भी टाइप करके लेता हूँ। तो देखो, टाइप करके होने के बाद आपको क्या करना है, सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करोगे, देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि रजिस्टर मोबाइल के ऊपर आपका एक OTP भेजा गया है। तो आपको क्या करना है, जो आपको OTP रिसीव होगा इसको आपको मिलने में 1 से 2 मिनट का भी समय लग सकता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है अगर नहीं आता है तो। तो देखो, मेरा तो OTP आ गया, मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ OTP। तो देखो, OTP डाल के होने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और देखो, यहाँ पर लिखा आ गया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर आधार लिंकिंग विथ। देखो, अगर आपका जो भी अकाउंट लिंक होगा उसका आपको पूरा जो नंबर है वो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ बैंक का जो नाम है वो दिखाई देगा। तो बैंक का नाम देख के आपको समझ जाएगा कि आपका एग्जैक्टली कौन सा बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक है। तो इस तरह से आप 2 मिनट के अंदर आपका जो आधार है वो चेक कर सकते हो कि कौन से बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।